सुपर जीन 2 द ह्यूमन एवोल्यूशन राकेश स्टोरी एपिसोड 106 से लेकर 110 तक। दोनों ने एक दूसरे को देखा और वीर ने थोड़ा सिर हिलाया। ब्लैक डेविल ने एक पेट कैप्सूल निकाला और उसे फेंक दिया। कैप्सूल जमीन पर उतरा और एक धातु के कुत्ते में तब्दील हो गया। ब्लैक डेविल के आदेश पर कुत्ते ने अंदर चक्कर लगाया और कुछ भी असामान्य नहीं मिला। तभी दोनों राहत की सांस लेते हुए अंदर विभिन्न वस्तुओं को देखने लगे। अन्य अधिकांश वस्तुएं विशेष नहीं लग रही थीं। बस बिस्तर से कपड़े का एक टुकड़ा उठाया। उसका कपड़ा समय बीतने के कारण भंगुर हो गया था और वह हल्के से खींचने पर टूटकर गिर गया। बाकी भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, जिससे वीर हैरान हो गया, क्योंकि यहाँ सारा फर्नीचर लकड़ी का था और कपड़ों का कपड़ा या तो सूती या सिंथेटिक था। इन फर्नीचर और कपड़ों में बेस म्यूटेशन धातु सामग्री का कोई निशान नहीं था। इससे पता चलता है कि फर्नीचर और कपड़े संभवतः 200 साल से भी अधिक पुराने हैं। बेस वेरिएंट एलियन के प्रकट होने के बाद से मानव वस्तुओं में धीरे धीरे बेस म्यूटेशन सामग्रियों को शामिल करना शुरू हो गया था। कुछ विशेष रूप से आवश्यक उत्पादों के अलावा बहुत कम लोग पूरी तरह से लकड़ी से फर्नीचर बनाते थे और अधिकांश कपड़ों को सुरक्षा के लिए धातु के रेशों के साथ मिलाया जाता था। इस युग में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। विशुद्ध रूप से सूती या सिंथेटिक सामग्री से बने कपड़ों का चलन खत्म हो गया था। धातु के रेशों से मिश्रित कपड़े कम से कम स्टील एलियन के खिलाफ कुछ सुरक्षा प्रदान करते थे। ध्यान देने लायक कुछ और न पाकर वीर ने अपनी नजर मेज पर धूल से ढकी घड़ी पर घुमाई, अपना डेथ पाउडर निकाला जो एक बंदूक में बदल गया और उसकी नोक का उपयोग करके मेज से घड़ी को उठा लिया। घड़ी को बिना किसी अजीब घटना के आसानी से उठा लिया गया, क्योंकि धूल हर जगह गिर रही थी। उठाई हुई घड़ी को वापस फर्श पर रखने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई असामान्य प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, वीर ने अंततः आराम किया और घड़ी उठा ली। उसने ध्यानपूर्वक धूल को पोंछा और घड़ी ने तुरंत अपना असली रूप प्रकट कर दिया। वीर की उम्मीदों के विपरीत ये घड़ी डिजाइन में काले टेलीपोर्टर की तरह नहीं थी, हालांकि कुछ हद तक समान थी। सामग्री पूरी तरह से अलग थी। चाहे वह काली हो या सफेद घड़ी, उनके डायल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्टाइल के थे, जबकि यह एक मैकेनिकल घड़ी थी जिसमें घंटे, मिनट और सेकंड की सुइयां थीं। हालांकि इसके डायल पर संख्याओं का घेरा 24 खंडों में विभाजित था, जो कि सामान्य 12 घंटे वाली घड़ी से अलग था। डायल पर संख्याओं वाली एक छोटी खिड़की भी थी, संभवतः तारीख प्रदर्शित करने के लिए। घड़ी का पट्टा और शरीर दोनों धातु से बने थे और डायल को ढकने वाला कांच भी साधारण कांच से अलग नहीं था। हाथ हिल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह टूट गया है। इससे वीर को निराशा हुई, क्योंकि यह एक साधारण यांत्रिक घड़ी थी जो टूटी हुई थी। घड़ी की सुइयों पर समय 10:03 पर स्थिर था तथा तारीख 1 थी। कम से कम यह एक प्राचीन वस्तु है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह अभी भी काम करती है, वीर ने सोचा। उसके घर पर भी ऐसी ही एक पुरानी शैली की मैकेनिकल घड़ी थी जिसे वह मौज मस्ती के लिए पहनता था। उसे यह बहुत बोझिल लगती थी। कुछ दिनों के बाद उसने इसे पहनना बंद कर दिया। इस प्रकार की यांत्रिक घड़ी को घुमाने की आवश्यकता होती है और शायद ये टूटी नहीं थी, बल्कि बहुत समय तक खुली रहने के कारण बंद हो गई थी। उन्होंने समय समायोजित किया और फिर इसे समाप्त कर दिया। घुराघुराहट। जिस क्षण वीर ने समायोजन समाप्त किया और उसे जाने दिया, उसके चारों ओर का दृश्य एक डेटा स्ट्रीम में धुंधला हो गया और सब कुछ अस्पष्ट हो गया। क्या बात है, एक पल में धुंधलापन दूर हो गया। जैसे ही वीर की दृष्टि साफ हुई, उसने पाया कि अब वह गुफा में नहीं है। उसके सामने एक के बाद एक घास से ढकी पहाड़ियों की एक श्रृंखला थी जो हरे रेगिस्तानी टीलों के अंतहीन समुद्र की तरह थी। बेशक पहाड़ियों पर घास कोई साधारण वनस्पति नहीं थी, बल्कि इसकी जड़ें और पत्तियां हरी धातु से बनी थीं। ये चीज वास्तव में एक टेलीपोर्टर है। वीर ने अपने हाथ में घड़ी को देखा, आश्चर्यचकित हुआ। क्योंकि यह चीज पुराने जमाने की यांत्रिक घड़ी की तरह दिखती थी, इसलिए इसकी उच्च तकनीक की सामग्री पूरी तरह से छिप गई थी। समय बीत रहा था, लेकिन कोई उल्टी गिनती का टाइमर नहीं था। नहीं उसे पता था कि यह उसे कब वापस टेलीपोर्ट करेगा। अब वह फिर से घड़ी के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कहीं और अप्रत्याशित घटनाएं न घट जाएं, इसलिए उसने घड़ी को कुछ समय के लिए छिपा दिया। इधर उधर देखने पर उसे ब्लैक डेविल की आकृति नजर नहीं आई। उसे नहीं पता था कि ब्लैक डेविल को टेलीपोर्ट तो नहीं कर दिया गया है या उसे किसी अन्य स्थान पर भेज दिया गया है। सौभाग्य से उसके शरीर पर मौजूद सभी चीजें सुरक्षित थीं। उसके शरीर के चारों ओर लिप्टा डेथ पाउडर, उसकी कमर पर एंजल रिवॉल्वर तथा उसके बैग में रखा फेजाई सभी मौजूद थे। वीर ने तुरंत अपनी बेस म्यूटेशन शक्तियों का इस्तेमाल किया, अपने पूरे शरीर को स्टील कारपेट से ढक लिया। ऐसी जगह पर जीवित रहना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। आधार उत्परिवर्तन अवस्था में बने रहना भी विकास सिद्धांत के सुदृढ़ीकरण और उत्परिवर्तनकारी प्रभावों को उत्तेजित कर सकता है। जब तक वह सुपर बेस चेंज का उपयोग नहीं करता, विकास सिद्धांत के समर्थन से वीर इसे लगभग अनिश्चित काल तक बनाए रख सकता था, जो पहले से ही औसत म्यूटेटर की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। एक सामान्य म्यूटेटर कम से कम केवल कुछ घंटों के लिए बेस म्यूटेशन अवस्था को बनाए रख सकता है,
और अधिक से अधिक कई दर्जन घंटों तक। युद्ध की तीव्रता के अनुसार खर्च में वृद्धि अवधि को और भी कम कर सकती है, लेकिन कोई भी वीर की तरह अनिश्चित काल तक बेस म्यूटेशन को बनाए नहीं रख सकता। उन्होंने एंजेल रिवॉल्वर से 3 कैप्सूल निकाले और उन्हें सीधे म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड्स पर सक्रिय कर दिया, जिससे वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर बिखर गए। उन्होंने एंजेल रिवॉल्वर से सीधे गोली नहीं चलाई, क्योंकि उन्हें डर था कि गोली लगने से अनावश्यक परेशानी पैदा हो जाएगी। इन सब के बाद वीर ने आखिरकार राहत की सांस ली और 3 म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड्स को अपने से लगभग 50 मीटर दूर जाने का आदेश दिया, अपने चारों ओर उपग्रहों की तरह रास्ता साफ करते हुए और आगे घास वाली ढलान की ओर धीरे धीरे रेंगना शुरू कर दिया। घास की ढलान के ऊपर खड़े होकर जहां तक वह देख सकता था, वहां घास की अंतहीन लहरदार पहाड़ियां थीं जो लहरों जैसी दिखती थीं। केवल ढलानों पर छिटपुट रूप से उगने वाले कुछ बड़े पेड़ थे, जिनमें से कोई भी उन स्थानों जैसा नहीं था जहां वह पहले रियल्म किंग ग्रह पर गया था। ढलान के नीचे वीर ने स्टील मुर्गियों के एक समूह को भोजन की तलाश करते देखा। वे वास्तव में स्टील मुर्गियां थीं, जिनके पंख रहस्यमय काले लोहे की तरह काले और चमकदार थे। स्टील के पंजे और लोहे की चोंच थी, एक चोंच से खून बहना सुनिश्चित था। एक दर्जन से अधिक स्टील मुर्गियां ढलान के नीचे घूम रही थीं, कभी कभी घास में चोंच मारती और जो कुछ भी मिलता उसे निगल जाती। वीर ने कुछ देर तक बारीकी से निरीक्षण किया, फिर उसे एहसास हुआ कि स्टील मुर्गियां एक प्रकार के धातु कीट को खा रही थीं। ये जीव वीर के म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड्स के रिश्तेदार थे, जो भी एक प्रकार का सेंटीपीड था, हालांकि उसका स्टील स्तर बहुत कम था। वीर को स्टील मुर्गियों और स्टील सेंटीपीड्स में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि धातु के एलियन से प्राप्त सामग्री का कोई मूल्य नहीं था। इतने सारे पीछा करने और चढ़ाई करने के बाद भूख लगती है। मैं कुछ स्टील मुर्गियों को मार दूंगा और अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ बेस म्यूटेशन फ्लूइड पी लूंगा। वीर कुछ मुर्गियों को मारने के लिए ढलान से नीचे उतरने ही वाला था कि अचानक मुर्गियों ने घबराहट में चहचहाना शुरू कर दिया। 1 मीटर से अधिक लंबा, रंग बिरंगा, विशालकाय जहरीला बहुरंगी सेंटीपीड घास के नीचे से निकला और एक स्टील चिकन को काट लिया तथा एक ही वार में उसकी गर्दन तोड़ दी। शेष स्टील चिकन्स में अफरातफरी मच गई और कुछ ही क्षणों में कई और चिकन्स को काटकर मार दिया गया। यह एलियन अवश्य ही म्यूटेंट होगा, वीर ने प्रसन्नतापूर्वक बहुरंगी लौह सेंटीपीड को देखा। आखिरकार ये वास्तव में ऐसे ही जीव थे जिनके लिए वह रियल्म किंग ग्रह पर आया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक म्यूटेंट काले बख्तरबंद सेंटीपीड को उस ओर उड़ा दिया। वास्तव में म्यूटेंट काले बख्तरबंद सेंटीपीड उड़ सकते थे। उनके पंख सिकाडा के समान थे, जो आमतौर पर उनके काले कवच के नीचे छिपे होते थे। चाहे वह कितना भी बड़ा या म्यूटेंट क्यों ना हो, बहुरंगी लौह सेंटीपीड स्टील स्तर का होने के कारण क्रिस्टल बेस स्तर के काले बख्तरबंद सेंटीपीड के सामने कुछ भी नहीं था। वह एक ही वार से तुरंत मारा गया। जब बहुरंगी लौह सेंटीपीड मारा गया तो वीर ने अपनी जेब में रखी घड़ी को हिलते हुए महसूस किया। इसे बाहर निकालते हुए उसने देखा कि कांच की सतह पर एक पारदर्शी डिस्प्ले जैसा कुछ दिख रहा था, जो उसे कुछ जानकारी दिखा रहा था। एक म्यूटेंट स्टील एलियन विशाल जहरीले बहुरंगी सेंटीपीड को मार दिया। विशाल जहरीले बहुरंगी सेंटीपीड के भीतर विषाक्त पदार्थों से युक्त बेस म्यूटेशन द्रव का पता चला, जो सीधे उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। कितनी उन्नत, वीर ने घड़ी की परिष्कृतता पर आश्चर्य व्यक्त किया और मनमौजी ढंग से उपकरण से कहा, मुझे मेरी अपनी जानकारी दिखाओ। घड़ी ने वास्तव में उसका आदेश ग्रहण किया और पहले की तरह ही उसकी जानकारी प्रदर्शित की। उपयोगकर्ता की कमजोरी को देखते हुए कृपया सावधानी से आगे बढ़ें। घड़ी में अंत में एक गर्म टिप भी शामिल थी। बिल्कुल, ये गैजेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, मुझे ये पता था, वीर ने खुद से कहा। इतने हाईटेक उपकरण के साथ इसमें मस्तिष्क की कमी कैसे हो सकती है? लेकिन ये बात क्यों नहीं कर सकता और केवल टेक्स्ट संदेश ही भेज सकता है? उसने इसके बारे में कोई झंझट नहीं की और इसके बजाय ये स्पष्ट करने पर ध्यान केंद्रित किया कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। ऐसा करने से पहले वीर ने विशालकाय जहरीले बहुरंगी सेंटीपीड के शरीर से बेस म्यूटेशन फ्लूइड इकट्ठा किया। उसे म्यूटेशन सामग्री भी चाहिए थी, लेकिन उन्हें ले जाना बहुत बोझिल था। म्यूटेंट जीवों की संख्या को देखते हुए उसे अभी भी शिकार करना पड़ सकता था। यह अनिश्चित था कि क्या वह उन सभी को अपने साथ ले जा सकता है। जैसे ही वह इस बारे में चिंतित हुआ, डेथ पाउडर तैर कर आया। उसका शरीर सूज गया, जो पिछले परिवर्तनों के दौरान की तुलना में और भी बड़ा दिखाई दे रहा था। वीर की अनुमति से उसने म्यूटेंट सेंटीपीड की लाश को सिर्फ एक ही बार में निगल लिया और फिर जल्दी से अपनी पतली अवस्था में वापस आ गया। वीर के चारों ओर घूम गया। वीर के इस तरह हस्तक्षेप करने से स्टील सेंटीपीड डरकर भाग गए और जमीन के नीचे छिप गए। चूंकि वीर उनका पीछा करने के मूड में नहीं था, इसलिए वह घास की ढलान पर बैठ गया और घड़ी के साथ संवाद करने का प्रयास किया। वह इसके कार्यों का पता लगाने के लिए उत्सुक था। आपके पास क्या विशेषताएं हैं? डिवाइस खराब है, उपयोगकर्ता के सवालों का जवाब देने में असमर्थ है। क्या कोई उपयोगकर्ता पुस्तिका है? डिवाइस खराब है, आंतरिक फाइलें गायब हैं, मैनुअल ढूंढने में असमर्थ। मैं टेलीपोर्टेशन का समय कैसे निर्धारित करूं?
परिवहन सेटिंग्स इस प्रकार हैं, एक तारीख समायोजित करें, दो सटीक समय सेट करें, घंटे मिनट सेकंड। तीन, कुछ समय बाद वीर को अंततः समझ में आ गया कि घड़ी शैली के टेलीपोर्टर का उपयोग कैसे किया जाए। ये घड़ी वास्तव में उसे टेलीपोर्टेशन का समय निर्धारित करने की अनुमति दे सकती है। तारीख का मतलब है कि प्रवेश करने के लिए दिनों की संख्या और घड़ी की सुइयां स्वचालित वापसी के लिए सेकंड तक सटीक समय निर्धारित करती हैं। वीर ने समय 11:23 बजे निर्धारित किया, जिसमें तारीख एक थी, जिसका मतलब था कि वह अगले दिन 11:23 बजे तक ही यहां रहेगा और उसके बाद घड़ी उसे वापस भेज देगी। वीर को लगा कि घड़ी में इससे कहीं ज्यादा फंक्शन है, लेकिन खराबी की वजह से वह ज्यादा जानकारी नहीं निकाल पाया। ये भी संभव है कि वह अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल भी न कर पाए। आखिर अगर घड़ी सही सलामत होती तो उसका मालिक उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाता? फिर भी ये घड़ी पहले से ही प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन कर रही थी। इस घड़ी के साथ वह जब चाहे टेलीपोर्टेशन के लिए समय निर्धारित कर सकता था। अब उसे लौकी पर्वत और दायरे के राजा की खेती करने वाले उपकरण पर जाने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ इसी वजह से इसका मूल्य अथाह था। ये रहस्य ही था कि गुफा का मालिक कौन था जिसने ऐसी घड़ी छोड़ी थी। दुर्भाग्यवश उन्हें गुफा में लिखा हुआ एक भी शब्द नहीं मिला, न ही उसके मालिक के बारे में कोई जानकारी मिली। ये जानते हुए कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा, वीर ने अब और आराम नहीं किया। उसने पहले विशालकाय जहरीले बहुरंगी सेंटीपीड से कुछ बेस म्यूटेशन द्रव अपने होठों के कोने पर लगाया, लेकिन कोई असर महसूस नहीं हुआ। कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कुछ विषाक्त पदार्थों को प्रभावी होने के लिए रक्त के संपर्क में आना आवश्यक है। इसलिए वीर ने अपनी उंगली को थोड़ा सा काटा और उस पर बेस म्यूटेशन द्रव को लगाया, जिससे तुरंत प्रतिक्रिया हुई। विष काफी शक्तिशाली था, उसका घाव बहुत जल्दी काला हो गया। सौभाग्य से एवोल्यूशन थ्योरी भी सक्रिय हो गई और कुछ ही समय में काले घाव से काला तरल पदार्थ निकलने लगा। स्थिति और खराब होती दिख रही थी, लेकिन कुछ समय बाद काला तरल पदार्थ धीरे धीरे गायब हो गया और घाव काले से वापस मांस के रंग का हो गया, अंततः फिर से ताजा खून बहने लगा। विकास सिद्धांत के प्रभावी साबित होने के बाद वीर ने आत्मविश्वास के साथ बड़ी मात्रा में बेस म्यूटेशन द्रव को निगल लिया। विशाल जहरीले बहुरंगी सेंटीपीड के बेस म्यूटेशन द्रव को अवशोषित किया। बेस म्यूटेशन दर जोड़ शून्य। विशाल जहरीले बहुरंगी सेंटीपीड के बेस म्यूटेशन द्रव को अवशोषित किया। बेस म्यूटेशन दर जोड़ शून्य। विशाल जहरीले बहुरंगी सेंटीपीड के बेस म्यूटेशन द्रव को अवशोषित किया। बेस म्यूटेशन दर जोड़ एक। म्यूटेंट आधार उत्परिवर्तन द्रव को निगलने के बाद कुछ समय बाद विकास सिद्धांत के साथ प्रतिक्रिया के कारण अंततः उसे आधार उत्परिवर्तन दर में थोड़ी वृद्धि प्राप्त हुई। मेरी आधार उत्परिवर्तन दर, मैं आ रहा हूँ। वीर तीन म्यूटेंट काले बख्तरबंद सेंटीपीडों के साथ अपनी शिकार यात्रा शुरू की। जिस घास वाली ढलान पर वह अभी था वह समुद्र तट से बहुत दूर रहा होगा, जहां वह पहले गया था, संभवतः उसी महाद्वीप पर भी नहीं। यहां पाए जाने वाले मूल जीव समुद्र तट पर पाए जाने वाले जीवों से पूरी तरह भिन्न थे, जिनमें लौह मुर्गियां सबसे आम थीं तथा विभिन्न प्रकार के जहरीले कीड़े भी थे। वीर अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे जहरीले टोडों के झुंड का सामना करना पड़ा और उसने उनमें एक म्यूटेंट को भी देखा। उस म्यूटेंट जहरीले टोड ने उसके मूल उत्परिवर्तन दर में योगदान दिया। जब उसने म्यूटेंट विषैले टोड को मारा तो उसकी घड़ी ने उसे ये भी सूचित किया कि उसके अंदर एक बेस उत्परिवर्तन अंडा विकसित हो रहा है। इसके बाद उन्होंने एक म्यूटेंट विषैले सांप, एक म्यूटेंट बिच्छू और एक म्यूटेंट ड्रैगनफ्लाई का शिकार किया, जिससे उनकी आधार उत्परिवर्तन दर 11 अंक तक पहुंच गई। घास के इस टुकड़े में वीर ने जो मूल भिन्न जीव देखे थे वे सभी स्टील लेवल पर थे। उसने एक भी मिश्र धातु जीव का सामना नहीं किया था, हालांकि विविधता काफी विशाल थी। ये जगह और समुद्र तट दो चरम सीमाएं हैं। समुद्र तट पर उच्च स्तर के म्यूटेंट आसानी से दिखाई देते हैं और स्टील स्तर के जीवों को देखना दुर्लभ है। यहाँ ये सब निम्न स्तर की चीजें हैं। वीर को लगा कि यह भी बुरा नहीं था, क्योंकि वह सुरक्षित रूप से स्टील जीवों का शिकार कर सकता था और विकास सिद्धांत उसकी रक्षा करता था, जिससे वह सभी जहरों से प्रतिरक्षित हो जाता था। ये जगह उसके लिए स्वर्ग जैसी थी। अन्य लोग शायद उच्च स्तरीय आधार भिन्न एलियन की खोज करना चाहते थे, लेकिन वीर यहाँ म्यूटेंट स्टील एलियन का शिकार करने में संतुष्ट था। उसने रास्ते में सभी तरह के जहरीले कीड़ों को मार डाला। वे जहरीले कीड़े प्रकार के बेस वेरिएंट जीव वास्तव में सभी आकार और रूप के थे। कुछ उसके ग्रह ग्रह के जीवों के समान दिखते थे, जबकि अन्य पूरी तरह से अलग थे। अपनी घड़ी के संकेतों के बिना वीर उनका नाम नहीं बता पाता। आयरन हेन्स के अलावा यहाँ सभी बेस वेरिएंट जीव जहरीले थे। अगर यह उनके एवोल्यूशन थ्योरी के लिए नहीं होता तो अलॉय लेवल या क्रिस्टल बेस लेवल पर भी किसी को इतनी आसानी नहीं मिलती। एक उच्च स्तरीय म्यूटेटर को आसमान को काला कर देने वाली जहरीली मधुमक्खियों के झुंड का सामना करने में शायद कठिनाई होगी, जब तक कि वह अपनी मूल उत्परिवर्तन शक्ति समाप्त होने से पहले सभी जहरीली मधुमक्खियों को मार ना सके। ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन जहरीली मधुमक्खियों की संख्या हजारों में होगी, अगर दसियों हजार नहीं। बड़े झुंडों में तो ये संख्या और भी ज्यादा होगी।
एक साधारण म्यूटेटर के लिए उन्हें पूरी तरह से खत्म करना असंभव था। वीर ने अपनी मूल म्यूटेंट अवस्था में बने रहने की क्षमता और जहर के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता पर भरोसा करते हुए घने झुंड का सामना किया और म्यूटेंट मधुमक्खी रानी को मारने में कामयाब रहा। इसके बाद उसने शेष जहरीली मधुमक्खियों को अनदेखा कर दिया और उन्हें अपनी मर्जी से दंक मारने दिया। बेशक वह 3 म्यूटेंट काले बख्तरबंद सेंटीपीडों को कार्रवाई में शामिल करके चीजों को सरल बना सकता था, वीर ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह अपनी छुरा घोंपने की तकनीक का अभ्यास करना चाहता था, जिसमें जहरीली मधुमक्खियों को एक एक करके मारने के लिए डेथ पाउडर का उपयोग किया जाता था। डेथ पाउडर का सुपर कोएगुलेशन ठीक वैसे ही काम करता है जैसा कि वीर ने उम्मीद की थी। जैसे ही ये किसी एलियन को छेदता है, उसके अंदर का बेस म्यूटेशन तरल जमना शुरू हो जाता है, जिससे बेस वेरिएंट एलियन धीरे धीरे हिलने की क्षमता खो देता है और एक स्टील की मूर्ति में बदल जाता है। उसने जिन म्यूटेंट एलियन को मारा था उन सभी को डेथ पाउडर ने खा लिया था, जो काफी चुस्त हो गया था तथा म्यूटेंट न होने वाली किसी भी चीज को खाने से इनकार कर रहा था। वीर ने म्यूटेंट एलियन का शिकार करने के लिए समय का लाभ उठाया। घास के ढलानों का छोटा अधिपति बन गया, जहरीले कीड़ों का अभिशाप, छोटा कीट नियंत्रण विशेषज्ञ, अनगिनत स्टील जहरीले कीड़ों को मार डाला और इस प्रक्रिया में कुछ म्यूटेंट अंडे प्राप्त किए जिनमें से सभी फैटी द्वारा खाए गए। एक बार वीर को जहरीली चींटियों का एक घोंसला भी मिला और उसने कई अंडे खोद निकाले जिन्हें उसने फैटी को नाश्ते के रूप में खिला दिया। डेथ पाउडर और फैटी, एक ने लाशें खा ली और दूसरे ने बेस म्यूटेशन के अंडे खा लिए, जिससे एक ऐसा संयोजन बना जिसने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। सौभाग्य से वीर को अब उन चीजों की आवश्यकता नहीं थी, वे भरपेट खा सकते थे और इससे उसे कोई परेशानी नहीं थी। समय सीमा नजदीक आ रही है, क्या आप वर्तमान निर्देशांक रिकॉर्ड करना चाहेंगे? आप अगली बार इन निर्देशांकों पर टेलीपोर्ट करना चुन सकते हैं। जैसे ही समय समाप्त होने वाला था, घड़ी फिर से कंपन करने लगी और यह संदेश प्रदर्शित हुआ। तो कोई भी टेलीपोर्टेशन स्थान चुन सकता है, वीर ने आश्चर्य से कहा, यह महसूस करते हुए कि उसे अब बेतरतीब ढंग से टेलीपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। समय उसकी आंखों के सामने से गुजर गया और पलक झपकते ही वीर उसी गुफा में वापस आ गया जहां वह पहले था, ठीक उसी स्थान पर, मानो वह बिल्कुल भी हिला ही नहीं था। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो ब्लैक डेविल कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या ब्लैक डेविल को अंदर भेज दिया गया था या वह वापस चला गया है? वीर ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। ब्लैक डेविल के चरित्र को देखते हुए अगर उसे टेलीपोर्ट नहीं किया गया होता तो वह निश्चित रूप से वीर के लिए यहां इंतजार कर रहा होता। हालांकि घड़ी को केवल उपयोगकर्ता को टेलीपोर्ट करना था, इसलिए इसे ब्लैक डेविल को उसके साथ टेलीपोर्ट नहीं करना चाहिए था। अब जबकि ब्लैक डेविल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, वीर को यकीन नहीं था कि क्या हुआ था। वीर गुफा से बाहर निकला और गॉड पर्वत के चारों ओर खोज की, लेकिन फिर भी ब्लैक डेविल का कोई निशान नहीं मिला, जिससे वह बहुत हैरान हो गया। क्या उसे वाकई अंदर टेलीपोर्ट किया गया था? वीर ने समय की गणना की। अगर ब्लैक डेविल को किसी अन्य तरीके से ले जाया जाता तो उसके लौटने से पहले उसके पास 3 दिन की सीमा होती। वीर द्वारा रियल्म किंग ग्रह पर बिताए गए एक दिन को हटा दें तो ब्लैक डेविल के लौटने में संभवतः 2 दिन और लगेंगे। यह विचार करते हुए वीर गॉड पर्वत से नीचे उतरा, ये देखने के लिए कि क्या वह घड़ी अपने साथ ले जा सकता है। जैसी कि उम्मीद थी, गॉड माउंटेन छोड़ने के बाद भी घड़ी उसके पास ही रही और काली घड़ी की तरह गायब नहीं हुई। उन्होंने घाटी में एक एकांत स्थान ढूंढा, घड़ी का समय समायोजित किया और टेलीपोर्टर को पुनः सक्रिय किया। इस बार वीर ने टाइमर 47 घंटे के लिए सेट किया। अगर ब्लैक डेविल 3 दिन की सीमा पर था तो वीर उससे ठीक पहले वापस आ सकेगा। घाटी डाक बर्ड बेस पर वापस जाने का जरूरी रास्ता भी था, इसलिए उसे ब्लैक डेविल को मिस नहीं करना चाहिए। टेलीपोर्टेशन शुरू हुआ और निर्देशांक चुनने के बाद वीर को एहसास हुआ कि निर्देशांक के 2 सेट थे। एक वह घास वाली ढलान थी जिसे उसने रिकॉर्ड किया था और दूसरा उसके लिए अज्ञात था, शायद घड़ी के मूल मालिक द्वारा निर्धारित किया गया था। वीर ने बेतरतीब ढंग से प्रयास करने की हिम्मत नहीं की और कर्तव्य निष्ठा से घास वाली ढलान पर चले गए ताकि एक बार फिर एक कुशल कीटनाशक विशेषज्ञ बन सकें। वास्तव में वह घास की ढलान पर प्रकट हुआ जहां से वह पहले चला गया था। अपनी जानकारी की जांच करते हुए उसने देखा कि उसकी आधार उत्परिवर्तन दर पहले ही 23% तक पहुंच गई थी, अभी भी मिश्र धातु तक आगे बढ़ने से कुछ दूरी पर था। म्यूटेंट जहरीले कीड़े, कांपना शुरू करो, तुम्हारे दादाजी वापस आ गए हैं। वीर ने अपने घोड़े को बुलाया और नए लक्ष्यों की तलाश में घास के ढलान पर तेजी से सरपट दौड़ने लगा। जिस समय वीर पागलों की तरह कीड़ों को मार रहा था, उसी समय जिनशुई झील पर स्थित क्षेत्र राजा साधना उपकरण अंततः फिर से चालू हो गया। प्रमुख परिवारों के आरोही, जो शुरू में बहुत उत्साहित थे, अब और अधिक आनंदित नहीं हो सके। रियल्म किंग का ट्रांसपोर्ट डिवाइस केवल बेस वेरिएंट को रियल्म किंग ग्रह पर भेजने में सक्षम था। बेस वेरिएंट को गायब होते देखना, जबकि एस्केंडर्स अपनी जगह पर ही जमे रहे, माहौल कुछ अजीब सा हो गया।
प्रारंभ में वे यथाशीघ्र रियल्म किंग ग्रह में प्रवेश करना चाहते थे और फिर बड़े पैमाने पर नरसंहार करना चाहते थे, विशेष रूप से क्रिस्टल बेस संसाधनों और म्यूटेंट क्रिस्टल बेस का, लेकिन उनके निराशा के कारण वे प्रवेश भी नहीं कर सके। इतने सारे आरोही इतने लंबे समय तक इंतजार करते रहे कि अंत में संसाधनों के लिए लड़ने के लिए उन्हें उन बेस वेरिएंट पर ही निर्भर रहना पड़ा। एडम के साथ वास्तव में अन्याय हुआ है, उन्होंने एक एस्केंडर को खो दिया है और इस चीज के लिए 5 और अपंध हो गए हैं, फिर भी एस्केंडर बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जेकब ने लगभग निर्जन शिविर को देखते हुए खुद से कहा। इस तरह से देखने पर रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस की परिवहन सीमा इतनी बड़ी नहीं है। अगली बार हम और अधिक क्रिस्टल बेस भेजेंगे। हम इस बार तैयार नहीं थे और हमारी तरफ से केवल 6 क्रिस्टल बेस ही अंदर गए। आपके बारे में क्या, जेम्स ओलिवर अंदर गया है ना, डेविड ने आकर कहा। उसने किया, युदू सहित हमने केवल 5 क्रिस्टल बेस भेजे जो तुमसे भी कम थे। कौन जानता था कि यह चीज केवल बेस वेरिएंट को ही ले जा सकती है, जेकब ने कुछ हद तक असहाय होकर उत्तर दिया। ये भी बुरा नहीं है, रियल्म किंग प्लैनेट के संसाधनों को थोड़े समय में आरोही द्वारा लूटा नहीं जाएगा। यह युवा पीढ़ी को परीक्षणों का अनुभव करने की भी अनुमति देता है, इसलिए यह एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने जैसा है, डेविड ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। क्षेत्र राजा साधना उपकरण ने एक बार फिर से फर्मामेंट प्रक्षेपण प्रणाली को सक्रिय कर दिया, जिससे उन लोगों की छवियां प्रक्षेपित हो गईं। जेकब ने जेम्स ओलिवर और ओलिवर परिवार के कुछ अन्य क्रिस्टल बेस को एक साथ देखा, अलग नहीं, और वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। ये सच था कि जेम्स ओलिवर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, म्यूटेटर्स के बीच लगभग अजेय था, लेकिन रियल्म किंग ग्रह बहुत ही अजीब था। कौन जानता था कि विचित्र क्षमताओं वाले किस तरह के बेस वेरिएंट जीव मौजूद हो सकते हैं। अगर कोई सावधान न रहे तो क्रिस्टल बेस को भी मौत का सामना करना पड़ सकता है। कई क्रिस्टल बेस एक साथ होने और एक दूसरे का ध्यान रखने के कारण कुछ भी गलत होने की संभावना बहुत कम थी। जहां तक उस देवदूत की बात है जो लोगों को लूटता था, जेम्स ओलिवर ने एक बार कहा था कि वह इस तथाकथित लुटेरे देवदूत से मिलना चाहता था। वीर के दिमाग में अचानक एक विचार आया, बलिदान जोड़ 1। उसने खुद पर भौहें से कुढ़ी, क्या जीरो की तरफ से कोई मर गया? वीर को यह नहीं पता था कि प्रमुख परिवारों के हजारों लोग पहले ही रियल्म किंग ग्रह में प्रवेश कर चुके थे। उसने सोचा कि जीरो की ओर से किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह संभवतः जीरो की तरफ से कोई नहीं था जो मर गया था। उसने अनुमान लगाया कि दायरे के राजा की साधना डिवाइस फिर से सक्रिय हो गई थी, क्योंकि उसके मन में बार बार ये संकेत आ रहे थे, बलिदान जोड़ 1 और उसके शरीर से लाल चमक निकल रही थी। इतने कम समय में ही 1 दर्जन से ज्यादा लोग मर चुके थे। जीरो की तरफ से कुल मिलाकर इतने लोग नहीं थे, इसलिए इतने सारे लोगों का मरना असंभव था। यह शायद रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस द्वारा टेलीपोर्ट किए गए लोग हो सकते हैं, जिनमें से कुछ को खतरनाक स्थानों पर भेजा गया था और उनके पहुंचते ही उन्हें मार दिया गया, वीर ने सोचा, क्योंकि उसने अपने भीतर बढ़ती ताकत को महसूस किया और जल्दी से बलि प्रभामंडल को छिपा दिया। उनका अनुमान गलत नहीं था, उन दर्जन भर म्यूटेटरों को वास्तव में विशेष रूप से खतरनाक स्थानों पर भेज दिया गया था। हालांकि उनका सामना केवल मिश्र धातु जीवों के एक समूह से हुआ था। दुर्भाग्य से वे केवल साधारण स्टील म्यूटेटर थे, जिन्हें शिविर में आपूर्ति और भोजन उपलब्ध कराने का काम सौंपा गया था, और अप्रत्याशित रूप से उन्हें भी टेलीपोर्ट कर दिया गया, जहां वे मिश्र धातु जीवों के समूह से टकरा गए और तुरंत ही नष्ट हो गए। उन प्रमुख परिवारों के आरोही अब तक आ चुके होंगे, मुझे सावधान रहना होगा कि वे मुझे निशाना न बनाएं, वीर किसी को भी उसे मारने का मौका नहीं देना चाहता था। उसने अपने घोड़े पर बेतहाशा हमला करने से परहेज किया और इसके बजाय घास की ढलान पर जहरीले कीड़ों की सावधानी पूर्वक तलाश करते हुए अपने घोड़े को छिपा लिया। इस समय तक वह रियल्म किंग ग्रह पर 20 घंटे से अधिक समय से था और उसकी आधार उत्परिवर्तन दर बढ़कर 31 हो गई थी, क्योंकि आधार उत्परिवर्तन दर को उसी प्रजाति के विषैले कीटों द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता था, भले ही वे म्यूटेंट हों, आधार उत्परिवर्तन दर में वृद्धि की गति धीमी हो गई थी। वह क्या है, वीर अभी घास वाली ढलान के आधार से ऊपर चढ़ा ही था कि उसने देखा कि अचानक एक आकृति दूर एक और घास वाली ढलान पर प्रकट हुई। वीर तुरंत उसी स्थान पर जमीन पर लेट गया और अपना दर्पण जैसा कवच वापस खींच लिया, जो बहुत अधिक आकर्षक था। शुरू में वीर ने सोचा कि यह आकृति शायद उन प्रमुख परिवारों में से एक है जिन्हें टेलीपोर्ट किया गया था, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि कुछ गड़बड़ थी। उस व्यक्ति के सिर पर बैल के सींगों की एक जोड़ी थी। क्या बात है, क्या यह मिनोटोर है? वीर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मिनोटोर की लंबाई लगभग 2.45 मीटर थी, जो कि अधिकांश मनुष्यों से बहुत अधिक थी। इसके चेहरे पर मानव और गाय दोनों की विशेषताएं थीं, और इसके सिर के ऊपर बैल के सींग होने के कारण यह अविश्वसनीय रूप से अजीब लग रहा था। उसने एक अजीब पोशाक पहन रखी थी, जो बॉडी सूट की तरह चुस्त थी। काले और चिकने कपड़े उसके शरीर से कसकर चिपके हुए थे, जिससे हर मांसपेशी उभरी हुई थी, जो मांस की मांसपेशियों की तरह उभरी हुई थी।
कुणाल के अलावा क्या कोई अन्य विदेशी जातियां हैं जो रियल्म किंग ग्रह में प्रवेश करना जानती हैं? वीर ने भ्रम और अटकलों से भरे हुए मिनोटोर को देखा। मिनोटोर ने भी अपनी कलाई पर एक घड़ी पहनी थी और वह काले रंग की थी, ठीक उसी तरह जैसे टेलीपोर्टेशन डिवाइस वीर ने पहली बार पहनी थी। इधर उधर देखने पर भी जब उसे कोई मनुष्य या बेस वेरिएंट एलियन नहीं मिला तो मिनोटोर ने अपना बैग निकाला और उसमें से कुछ वस्तुएं निकाली। यह क्या है? वीर ने देखा कि मिनोटोर ने 3/4 मोटरसाइकिल हेलमेट जैसा कुछ पहना हुआ है और फिर चारों ओर देख रहा है। वीर को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है और जब मिनोटोर की नज़र उस ओर पड़ी जहां वह था तो वह रुक गया। मिनोटोर के मुंह के कोने पर एक भयावह मुस्कान उभरी जब उसने बैग से निकाली गई कई ट्यूबों को एक दोधारी युद्ध कुल्हाड़ी में जोड़ा। ये दोधारी युद्ध कुल्हाड़ी काफी अनोखी थी जो मुख्यतः मिश्र धातु से बनी थी तथा इसकी ब्लेड लाल क्रिस्टल की थी तथा शाफ्ट पर क्रिस्टल पैटर्न बने थे। अगले ही पल मिनोटोर ने अचानक अपनी मूल उत्परिवर्तन शक्ति का प्रयोग किया और एक काले मिश्र धातु युद्ध कवच ने तुरंत उसके पूरे शरीर को ढांक लिया। उसकी विशाल काया और भारी कवच के कारण वह एक भारी मशीनी योद्धा जैसा दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने अपनी आधार उत्परिवर्तन शक्ति का उपयोग किया वीर को एहसास हुआ कि तन कपड़े फट नहीं गए थे। इसके बजाय आधार उत्परिवर्तन पदार्थ ने तन कपड़ों के माध्यम से कवच का निर्माण किया था। ये काफी जादुई था। वीर के मातृ ग्रह पर म्यूटेटा आमतौर पर बेस म्यूटेशन पावर का उपयोग करते समय नुकसान से बचने के लिए ढीले वस्त्र पहनते थे। उसने पहले कभी ऐसे हाईटेक उत्पाद नहीं देखे थे। मिनोटोर एक पालतू कैप्सूल का भी उपयोग कर सकता था और उसने तुरंत ही एक बड़े काले मिश्र धातु बैल को बुलाया और उस पर सवार होकर इस दिशा में आक्रमण किया। उसने मुझे कैसे ढूंढ लिया? ये वही हेलमेट होगा। वीर की आंखें मिनोटोर के उपकरणों पर टिकी थी और वे चमकने लगी। एक मिश्र धातु स्तर के एलियन के बारे में दींग मारने जैसा कुछ नहीं था। आखिरकार कुणाल क्रिस्टल बेस की थी और उसने उससे एंजल रिवॉल्वर छीन लिया था। यह मिनोटोर सिर्फ एक मिश्र धातु स्तर का था जो कुणाल से बहुत कमतर था, इसलिए वीर स्वाभाविक रूप से इससे डरता नहीं था। फिर भी वीर ने तुरंत बेस म्यूटेशन करवाया। मिरकार्पेस उसके पूरे शरीर के चारों ओर लपेटा हुआ था और उसका दाहिना हाथ उसकी पीठ के पीछे था। उसने एंजल रिवॉल्वर को पकड़ रखा था और उसकी उंगली ट्रिगर पर थी और वह किसी भी क्षण फायर करने के लिए तैयार था। तीन म्यूटेंट काले बख्तरबंद सेंटीपीड जो वीर के आसपास तीन अलग अलग बिंदुओं से घात लगाए बैठे थे किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार थे। यहां तक कि मिश्र धातु स्तर के मिनोटोर का सामना करते समय भी वीर अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार था। वह बिना किसी अच्छे कारण के हमला नहीं करता था, लेकिन जब वह हमला करता था तो उसे एक जोरदार प्रहार करना होता था जिससे दुश्मन के पास कोई मौका नहीं बचता था। मिनोटोर ने यह देखकर कि वीर मानव था और स्टील लेवल का मानव था वास्तव में रुक गया और हमला जारी नहीं रखा। मानव, मुझे यहाँ किसी मानव को देखने की उम्मीद नहीं थी, मिनोटोर धारा प्रवाह मंदारिन बोल रहा था। एक विशालकाय काले बैल के ऊपर बैठा हुआ जो आकार में एक हाथी से मुकाबला कर सकता था, एक हाथ से एक विशाल दोधारी कुल्हाड़ी पकड़ रहा था और वीर की ओर एक अभिमानी भाव से इशारा कर रहा था। मुझे बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए और शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं इस जगह का मूल निवासी हूँ? क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? वीर ने मन ही मन सोचा, मिनोटोर के साथ बातचीत करना भी अच्छा हो सकता है, संभवतः कुछ उपयोगी जानकारी मिल सकती है। शुरू में वीर ने सोचा था कि केवल कुणाल एलियन ही ग्रह में जाने का रास्ता जानता है, लेकिन बाद में पता चला कि अन्य एलियन भी अपना रास्ता खोज चुके थे। वीर अब जानना चाहता था कि कितने अन्य एलियन आए थे और क्या उनमें कोई और अधिक उन्नत और शक्तिशाली एलियन था। मूल निवासी इस ग्रह पर अभी भी मूल निवासी हैं। मिनोटोर की आंखें जो तांबे की घंटियों जितनी बड़ी थीं अचानक चौड़ी हो गईं। क्या ये हो सकता है कि यह ग्रह लंबे समय से खोया हुआ मानव मातृ ग्रह है? मानव जाति का जन्मस्थान। वीर को कुणाल से पता चला कि मानव मातृ ग्रह के लिए अभी तक कोई टेलीपोर्टर नहीं खोजा गया है, इसलिए अभी के लिए केवल मनुष्य ही जा सकते हैं और कोई भी एलियन मातृ ग्रह तक नहीं पहुंच सकता है। मिनोटोर का इस तरह बोलना स्पष्ट रूप से वीर के भ्रामक मार्गदर्शन के कारण था, जिसके कारण उसने दायरे के राजा ग्रह को मानव माता ग्रह समझने की गलती की थी। ये स्पष्ट था कि मिनोटोर को नहीं पता था कि वह कहां टेलीपोर्ट हुआ था, जिससे वीर को कुछ राहत मिली। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि टेलीपोर्टर वास्तव में मानव मातृ ग्रह तक ले जाएगा। ये शानदार है, बस शानदार। मिनोटोर की आंखें उसके हेलमेट के नीचे चमक उठी जब उसने वीर को देखा और कहा, मेरे सामने आने वाले पहले इंसान के रूप में मैं तुम्हें महान अल्ट्राबंद जनजाति योद्धा ऑगस्ट मैन का पहला गुलाम बनने की अनुमति देता हूँ। अब तुम अपने स्वामी के सामने घुटने टेक सकते हो। मिनोटोर ऑगस्ट मैन का अभिमानी व्यवहार ऐसा लग रहा था मानो उसका गुलाम बनना वीर के लिए अविश्वसनीय भाग्य का झटका था। सिर्फ एक स्पिन से अपना जीवन बदल दें, सिर्फ एक स्पिन से अपना जीवन बदल दें। योलो 247 को सम्मानित अल्ट्राबंद जनजाति योद्धा, मुझे आश्चर्य है कि कितने महान योद्धा आए हैं। हम मनुष्य अल्ट्राबंद जनजाति जैसी शक्तिशाली प्रजाति की बहुत प्रशंसा करते हैं।
ऐसे कई मनुष्य हैं जो अल्ट्राबन जनजाति के गुलाम बनने की इच्छा रखते हैं। क्या हमें ये सम्मान प्राप्त है? वीर ने बकवास की, क्योंकि बकबक करने के खिलाफ कोई कानून नहीं था। वीर की बातें सुनकर ऑगस्टमैन और भी अधिक प्रसन्न हो गया। उसका थूथन लगभग आकाश की ओर इशारा कर रहा था। हर कोई हमारे अल्ट्राबन ट्राइब योद्धाओं का गुलाम बनने के योग्य नहीं है। यह उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। उन्हें कम से कम स्टील लेवल का होना चाहिए, यही अंतिम बात है। अगर यह एक महिला इंसान है और वह आकर्षक है, तो हम प्रतिबंधों में थोड़ी ढील दे सकते हैं। आप इंसानों के पास कितने लोग हैं? ऑगस्टमैन ने लालच से वीर को घूरते हुए पूछा। वीर ने सहजता से कहा, यहाँ कई आकर्षक लोग हैं, हमारी जनसंख्या शायद 1 अरब से कुछ कम है। 1 अरब ये बहुत कम नहीं है। इस बार पायनियर कोर में 30,000 योद्धा हैं। कोर कमांडर और डिप्टी कोर कमांडर के लाभों के अलावा प्रत्येक योद्धा अभी भी कुछ मानव दासों को विभाजित कर सकता है। ऑगस्टमैन ने खुद से बड़बड़ाया। ऐसा लग रहा था कि वह गणना कर रहा था कि वह कितने मानव दासों का दावा कर सकता है। उसकी आंखें चमक रही थी। मानव, मुझे अपने शहर ले चलो, मैं कुछ मनुष्यों की वफादारी स्वीकार करने के लिए तैयार हो सकता हूँ, ऑगस्टमैन ने मांग की। आपकी दया और सहनशीलता के लिए धन्यवाद। आप जैसे महान योद्धा की अल्ट्राबर्निंग कोर में भी बहुत महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए। ये देखकर कि ऑगस्टमैन का दिमाग बहुत तेज नहीं लग रहा था, वीर ने उसकी चापलूसी करना जारी रखा। बेशक, ऑगस्टमैन थोड़ा अधीर हो रहा था और वीर पर चिल्लाया, अब आगे बढ़ो, मैं रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन जाने से पहले मुझे बस ये पुष्टि करनी है कि क्या आप वास्तव में एक महान अल्ट्राबन ट्राइब योद्धा हैं। मनुष्य केवल सच्चे अल्ट्राबन ट्राइब योद्धाओं की सेवा करना चाहते हैं, वीर ने कहा। बेशक मैं हूँ, क्या आप नहीं बता सकते? ऑगस्टमैन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, कृपया मनुष्यों के उतले ज्ञान को क्षमा करें। आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? ऑगस्टमैन ने अधीरता से वीर को बीच में रोका। यदि आप मुझे हरा सकते हैं तो मैं आपको एक सच्चे अल्ट्राबन जनजाति योद्धा के रूप में स्वीकार करूंगा, वीर ने दावा किया, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में भाले की तरह मृत्यु पाउडर उठाया था। इसमें इतनी मुश्किल क्या है? ऑगस्टमैन जोर से हंसा, अपना हाथ उठाया और वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तो फिर आ जाओ। अगर तुम मेरे एक वार से बच गए तो तुम मेरे पहले गुलाम बनोगे। मैं आ रहा हूँ, वीर ने अपने मुंह के कोने पर एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा। उसके लिए एक निम्न श्रेणी के एलियन का सामना करना दुर्लभ था, जो उसकी वर्तमान ताकत का परीक्षण करने के लिए एकदम सही था। लौह सींग वाले घोड़े को बुलाकर और उस पर सवार होकर वीर ने अपना भाला उठाया और घास वाली ढलान से नीचे सरपट दौड़ा और सीधे घमंडी ऑगस्टमैन पर हमला कर दिया। ऑगस्टमैन ने वीर को लोहे के सींग वाले घोड़े पर सवार देखा और उसके चेहरे पर अहंकार की झलक और भी गहरी हो गई। एक बड़े काले बैल की पीठ पर स्थिर बैठे हुए और ऊपर से नीचे देखते हुए वह केवल वीर के पास आने का इंतजार कर रहा था, ताकि वह उसे एक कुल्हाड़ी से खत्म कर सके। अल्ट्राबन जनजाति के लिए स्टील लेवल को बकवास माना जाता था। अल्ट्राबन जनजाति के अधिकांश सदस्य स्टील लेवल पर पैदा हुए थे, जबकि उत्कृष्ट योग्यता वाले लोग अलॉय लेवल पर पैदा हुए थे। यदि अल्ट्राबनिंग कबीले के लोगों का कोई वयस्क सदस्य अभी भी स्टील लेवल पर था, तो इसका मतलब था कि वे समाज के सबसे निचले पायदान पर थे और उन्हें कचरा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। ऑगस्टमैन के लिए एक स्टील लेवल का इंसान कचरे के अलावा कुछ नहीं था। वीर को अपने घोड़े पर सवार होकर आते देख ऑगस्टमैन ने धीरे से अपने हाथ में दोधारी कुल्हाड़ी उठाई। उसी समय एक अन्य घास वाली ढलान पर कुछ और अल्ट्राबनिंग कबीले के लोग उभरे, जिनमें से एक ने लाल रंग का चुस्त सूट पहना हुआ था, जबकि अन्य ने ऑगस्टमैन की तरह काले रंग के कपड़े पहने थे। उप कप्तान, वह ऑगस्टमैन है, लगता है कि वह किसी इंसान से लड़ पड़ा है। क्या यहाँ इंसान है? काले रंग के टाइट फिटिंग सूट में एक योद्धा ने दो विरोधियों को देखकर आश्चर्य से कहा। लाल टाइट फिटिंग सूट पहने और वाइस कैप्टन कहलाने वाले ने हंसते हुए कहा, एक घटिया स्टील लेवल का इंसान, हम उसे पकड़कर पूछताछ करने के बाद ही इसका पता लगा पाएंगे। अल्ट्राबन जनजाति के योद्धाओं के समूह ने वीर को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हुए मजाक किया और हंसे। लेकिन जब वीर अपने लौह सींग वाले घोड़े पर सवार होकर ऑगस्टमैन के पास पहुंचा और अपना भाला फेंका, तो सभी के भाव बदल गए। भाला, जो कुछ अजीब लग रहा था, प्रेत की तरह वार करता था। यह इतनी तेज थी कि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह स्टील लेवल की गति थी। ऑगस्टमैन को लाल रंग की एक चमक दिखाई दी, इससे पहले कि वह अपनी दोधारी कुल्हाड़ी उठा पाता, और डेथ पाउडर पहले ही उसके गले में घुस चुका था। असंभव। दूसरी घास वाली ढलान पर योद्धाओं की आंखें अविश्वास में फैल गईं, क्योंकि ऑगस्टमैन को एक स्टील लेवल मानव ने भाले से मार डाला था। तो एलियंस ऐसे ही होते हैं, काफी कमजोर है ना? वीर को उम्मीद नहीं थी कि वह एक ही भाले के वार से ऑगस्टमैन को मार सकता है। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। उसने वास्तव में सोचा था कि ऑगस्टमैन उसके खिलाफ कुछ राउंड तक टिकेगा, उसके बाद वह अपना एंजल रिवॉल्वर निकालेगा और एक ही गोली से उसे खत्म कर देगा। हालांकि यह वास्तव में आश्चर्यजनक नहीं था।
बाउंडलेस स्ट्रेंथ कॉन्ट्रैक्ट द्वारा प्रदान की गई ताकत, बलिदान हेलो की वृद्धि, साथ ही सुपर बेस इंस्टेंटेनियस स्पीड और डेथ पाउडर के सुपर बेस आर्मर पियर्सिंग स्पाइक ने एक मिश्र धातु स्तर को मारना इतना मुश्किल नहीं बनाया, खासकर जब से ऑगस्टमैन इतना घमंडी था। वीर ऑगस्टमैन के शरीर पर मौजूद लूट को लूटना चाहता था, लेकिन तभी उसने दूसरी तरफ से गुस्से से भरी गालियां और दहाड़े सुनी। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि 8 मिनोटॉर उस पर आक्रमण कर रहे हैं, जिनमें से अधिकांश क्रिस्टल बेस थे तथा अन्य 3 ऑगस्टमैन के समान मिश्र धातु स्तर के थे। वे सभी टाइट फिटिंग सूट पहने हुए थे, ज्यादातर काले रंग के, लेकिन एक लाल रंग का था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके शरीर से बेस म्यूटेशन मटेरियल निकला, जिससे उनके पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए क्रिस्टल आधारित कारपेस बन गया। वीर मुड़ा और भाग गया। हालांकि आयरन हॉर्न वाला घोड़ा क्रिस्टल बेस की गति की तुलना में बहुत धीमा था और कुछ क्रिस्टल बेस मिनोटॉर उसे पकड़ने वाले थे। आहा, सामने खड़े 2 क्रिस्टल बेस मिनोटॉर अचानक पीड़ा में चिल्ला उठे। प्रत्येक के पैरों के चारों ओर एक म्यूटेंट काला बख्तरबंद सेंटीपीड लिपटा हुआ था, जो उनके क्रिस्टल बेस कारपेस को भेद रहा था। लाल रंग के मिनोटॉर ने तुरंत प्रतिक्रिया की। उसने देखा कि उसके बगल में घास से एक म्यूटेंट काला बख्तरबंद सेंटीपीड निकलकर आ रहा था और वह हवा में उछल गया, लेकिन बाल बाल उसके काटने से बच गया। लाल कपड़े पहने मिनोटॉर को हवा में उछलता देख वीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बंदूक उठाई और गोली चला दी। एक जोरदार धमाके के साथ एक पेट कैप्सूल हवा में उड़ गया, जो हवा में एक सफेद जेड टाइगर में बदल गया और 44 की गति से तेजी से लाल कपड़े पहने मिनोटॉर के पास पहुंच गया। लाल वस्त्र पहने मिनोटॉर, जो कि औसत क्रिस्टल बेस से स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली था, ने उसकी पीठ से लाल क्रिस्टल दोहरे ब्लेड वाली कुल्हाड़ी पकड़ ली और झपकते हुए सफेद जेड टाइगर पर हिंसक रूप से हमला कर दिया। पंजे लाल क्रिस्टल दोहरे ब्लेड वाले कुल्हाड़ी से टकराए, जिससे भयंकर चिंगारी निकली और सफेद जेड टाइगर नीचे गिर गया तथा उसके कई पंजे टूटकर गिर गए। अन्य मिनोटॉर्स की स्थिति बहुत कम आशावादी थी। 2 क्रिस्टल बेस मिनोटॉर्स, जिनके कवच को म्यूटेंट काले बख्तरबंद सेंटीपीड्स ने छेद दिया था, अब जमीन पर दर्द से चिल्ला रहे थे। बैकक्वोट, म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड का जहर बहुत शक्तिशाली था। हालांकि यह थोड़े समय में नहीं मारता था, लेकिन यह इतना भयानक दर्द देता था कि ज्यादातर लोग इसे सहन नहीं कर पाते थे, और एक बार जब इसका असर होता था तो वे मूल रूप से लड़ने की सारी क्षमता खो देते थे। काले बख्तरबंद सेंटीपीड ने लाल वस्त्रधारी मिनोटॉर पर छिपकर हमला करने का प्रयास किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसने मुड़कर अपने पंख फड़फड़ाए और दूसरे क्रिस्टल बेस मिनोटॉर पर झपट्टा मारा। जिन 2 काले बख्तरबंद सेंटीपीडों ने मिनोटॉर्स को काटा था, उन्होंने अन्य मिनोटॉर्स पर भी हमला किया, जिनमें से एक क्रिस्टल बेस मिनोटॉर्स अभी भी हमलावर काले बख्तरबंद सेंटीपीड को रोकने में सक्षम था। हालांकि बाकी 3 मिश्र धातु स्तर के मिनोटॉर इतने भाग्यशाली नहीं थे। एक अन्य ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड के हमले के कारण वे बुरी तरह चीखते हुए जल्दी से जमीन पर गिर पड़े। क्रिस्टल बेस मिनोटॉर्स की जीवन शक्ति की कमी के कारण वे जहर के शिकार हो गए और कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो गई। धमाका, वीर ने एक और गोली चलाई और 3 मीटर से अधिक ऊंचे काले क्रिस्टल स्टोनमैन ने लाल पोशाक पहने मिनोटॉर पर हमला किया तथा उसे घेरने के लिए सफेद जेड टाइगर के साथ सेना में शामिल हो गया। 5 म्यूटेंट क्रिस्टल बेस लड़ाकू पालतू जानवर, जो वीर ने रोनाल्डो से लिए थे, सभी तैनात किए गए, जबकि वीर लड़ाई देखने के लिए एक तरफ खड़े थे। मिनोटॉर्स हैरान और क्रोधित थे। वे कैसे सोच सकते थे कि एक स्टील लेवल के इंसान के पास इतने सारे म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस लड़ाकू पालतू जानवर होंगे, जो कि एक सेना कमांडर के म्यूटेटेड पालतू जानवरों से भी ज्यादा होंगे। शेष बचे 2 क्रिस्टल बेस मिनोटॉर्स ने जल्दी से अपने पेट लांचर निकाले तथा समय रहते कुछ पालतू जानवरों को छोड़कर स्थिति को कुछ हद तक स्थिर करने में कामयाब रहे। दोनों मिनोटॉर्स ने कुल 6 पालतू जानवर छोड़े। सभी क्रिस्टल बेस थे, लेकिन उनमें कोई म्यूटेंट किस्म नहीं थी। लाल वस्त्र पहने मिनोटॉर ने अपना पेट लांच अभी निकाला, जो लगातार लांच करते हुए सफेद जेड टाइगर और काले क्रिस्टल स्टोनमैन के हमलों को रोकता रहा, जिससे 2 पालतू जानवर पैदा हुए, दोनों क्रिस्टल बेस स्तर के, एक म्यूटेंट बिग रेड बुल और दूसरा एक साधारण जेड बख्तरबंद योद्धा। इतने सारे पालतू जानवरों के लड़ाई में शामिल होने से लड़ाई आखिरकार स्थिर हो गई। लाल कपड़े पहने मिनोटॉर विशेष रूप से शक्तिशाली था, जो ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन को बार बार पीछे धकेल रहा था। उसका ब्लैक क्रिस्टल शरीर लाल क्रिस्टल दोहरे ब्लेड वाले कुल्हाड़ी के वार से टुकड़े टुकड़े हो गया था और गहराई से छिल गया था। अभी ऑगस्टमैन ने कहा कि उनकी सेना में 30,000 लोग हैं। वीर ने अंदर ही अंदर भौहें सिकोड़ ली। उन्हें ब्लैक डेविल के उनसे मुठभेड़ की चिंता थी। जब युद्ध क्षमता की बात आई तो वीर को विश्वास नहीं हुआ कि उसी स्तर का मिनोटॉर युद्ध में ब्लैक डेविल से मुकाबला कर सकता है। यहां तक कि एक साधारण क्रिस्टल बेस के खिलाफ भी ब्लैक डेविल के पास एक क्रॉस टियर चुनौती जीतने का मौका था। लेकिन अगर मिनोटॉर बहुत ज्यादा हो गए तो ब्लैक डेविल के पास भी कोई सहारा नहीं रह जाएगा। आखिरकार वह सिर्फ एक आदमी था, एक जोड़ी हाथ 4 के बराबर नहीं होते। मानव, तुम्हें खून से कीमत चुकानी पड़ेगी। लाल वस्त्र पहने मिनोटॉर ने विजयी स्वर में दहाड़ते हुए ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन को जमीन पर गिरा दिया। वाइट जेड टाइगर और म्यूटेंट बिग रेड बुल के बीच मुकाबला हुआ और फिलहाल विजेता का पता लगाना मुश्किल था।
हालांकि व्हाइट जेड टाइगर पहले भी लाल रंग के कपड़े पहने मिनोटोर से घायल हो चुका था और उसकी हरकतें स्पष्ट रूप से प्रभावित थीं, जो पहले से ही नुकसान में थी। तीन म्यूटेंट काले बख्तरबंद सेंटीपीड अन्य दो क्रिस्टल बेस मिनोटोर और उनके क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों से भिड़ गए, जो इस समय कोई प्रभावी कार्रवाई करने में असमर्थ थे, जो निश्चित रूप से वीर के लिए प्रतिकूल था। ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन को जमीन पर गिराने के बाद लाल कपड़े पहने मिनोटोर ने मुड़कर वीर की ओर हमला किया। अगर वह वीर को खत्म कर सकता और उसका पेट लॉन्चर ले सकता तो उसके आदेश के बिना ही वे पालतू जानवर गिर जाते। लाल कपड़ों वाला मिनोटोर लंबे समय से वीर के पांच म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों को चाहता था, उन सभी को अपने लिए लेना चाहता था। अन्यथा वह ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन पर हमला करना जारी रखता, जो उसकी कुल्हाड़ी के नीचे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाता। वीर का भागने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और लाल पोशाक पहने मिनोटोर पर सीधा हमला किया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। लाल कपड़े पहने मिनोटोर को ये देखकर और भी गुस्सा आया कि वीर ने उसका सामना करने की हिम्मत दिखाई और वह पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहा था। वीर की बंदूक तेज थी, लेकिन इसकी तुलना केवल मिश्र धातु स्तर के लोगों से की जा सकती थी। लाल रंग के कपड़े पहने मिनोटोर के लिए ऐसी गति का उल्लेख करना मुश्किल था। हालांकि जैसे ही वीर ने हमला किया, उसका स्टील का कवच तेजी से लाल हो गया। जल्द ही लाल गर्म लोहे की तरह चमकने लगा, जिससे एक ऐसी गर्मी निकल रही थी जो बेहद तीव्र लग रही थी। मर जाओ। लाल कपड़ों वाले मिनोटोर ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसका विशाल आकार एक अकल्पनीय आतंकित गति से फट पड़ा, जिसने ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया। अपनी दो धार वाली कुल्हाड़ी को ऊपर उठाकर वह हवा में उछला, वीर पर एक भयंकर वार किया, जो अभी भी घोड़े पर था। अपने लाल क्रिस्टल दोहरे ब्लेड वाली कुल्हाड़ी के एक तेज वार से सवार और उसके घोड़े दोनों को दो टुकड़ों में विभाजित करने का प्रयास कर रहा था। वीर ने अपने भाले से वार नहीं किया, बल्कि अपने बैकहैंड से एंजल रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाया। लोहे के सींग वाले घोड़े से छलांग लगाते हुए उसने लाल कपड़े पहने मिनोटोर के हवाई क्रोधित वार का और भी अधिक तेजी से सामना किया। सभी एपिसोड सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए।